अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ चाइना और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल किचन विद चाइना। आज हम अपने किचन में बना रहे हैं पिज़्ज़ा सॉस, जो कि सिर्फ 5 मिनट में तैयार हो जाता है। तो आइए हम अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। तो इसको बनाने के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले हम 8 अदद टमाटर लेंगे। ये टमाटर रखे मैंने 8 अदद, इसको मैं अभी हल्के से 1 सेकेंड के लिए ऑयल पानी में डिप करूँगी, फिर इसका छिलका उतार के मैं आपको बताऊँगी क्या करना है। ये ऑयल है, 3 स्पून मैंने ऑयल लिया है इसके अंदर। ये 1 टीस्पून मैं इसमें नमक ऐड करूँगी, 1/2 टीस्पून इसमें थाइम ऐड करूँगी और 1/2 टीस्पून इसमें ऑर्गेनो यूज़ करूँगी और इसमें 2 स्पून में अदरक लहसुन का पेस्ट इस्तेमाल करूँगी और ये 1 टेबल स्पून ये है केचप, ये इसमें ऐड करूँगी और 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च इसमें ऐड करूँगी। ये देखिए टमाटर है, मैंने इसको पानी को पहले से बॉयल करा हुआ था। इस टमाटर को मैं इसमें बॉयल पानी में डाल दूँगी। मैं 1 सेकेंड के लिए इसको कवर कर दूँगी थोड़े से पानी में और 1 सेकेंड में ये ऐसे हो जाएंगे, छिलका से नरम हो जाएगा, फिर मैं इसका छिलका उतार के मैं आपको बताऊँगी क्या करना है। ये देखिए हमारे टमाटर जो है ना बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं, हम इनको डिश में निकाल के इनका छिलका उतारूँगी, इसको कटिंग करके इसको ग्राइंड करूँगी। ये देखिए इस तरह से छिलका उतरेगा, मैं छिलका उतार के आपको दिखा रही हूँ, छिलका उतरेगा इस तरह। सारे टमाटर के छिलके आप इस तरह उतार लीजिएगा। उतारने के बाद इसको इसके बीज निकाल के बारीक बारीक कटिंग करके इसको ग्राइंड कर लीजिए। अब देखिए इस तरीके से इसको टमाटर की कटिंग करके हम इसके बीज निकाल लेंगे अंदर से, बीज वाला हिस्सा अलग कर देंगे और जो दूसरा हिस्सा ना वो हम ये ले लेंगे इसमें से। इसमें से बीज अलग कर दिया हमने। ये देखिए इस तरह बीच में से हम टमाटर को काटेंगे, काटने के बाद 2 पीसेस करेंगे इसके, 2 पीसेस कर दिए, इसके भी 2 पीसेस कर दिए हमने। ये इसका टमाटर वाला हिस्सा उसका अलहदा कर दिया हमने, बीज वाला हिस्सा अलहदा कर दिया, ये टमाटर वाला हिस्सा अलहदा कर दिया हमने। इसी तरीके से सारे टमाटर को हम बीज अलहदा करके टमाटर वाला हिस्सा साफ सुथरा हिस्सा वो यहाँ रख लेंगे, उसको हमें ग्राइंड करना है। फिर बताती हूँ मैं किस तरह सॉस तैयार होगा हमारा। मुश्किल से 5 से 6 मिनट 7 मिनट लगेंगे ये सॉस तैयार होने में, घंटों में ये सॉस तैयार हो जाता है हमारा। अब इसको हम इसमें डाल के इसको ग्राइंड कर देंगे। बिस्मिल्लाह। सबसे पहले ऑयल हम डालेंगे इसके अंदर, ऑयल डालेंगे। अब मैं अदरक लहसुन का पेस्ट जो मैंने 2 स्पून निकाल के रखा हुआ था वो मैं इसमें ऐड करूँगी। इसको अच्छे से इसको सही तरीके से फ्राई कर लेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, उसके बाद जाके मैं टमाटर का पेस्ट इसमें ऐड करूँगी। देखिए अच्छा गोल्डन ब्राउन कलर इसका आ गया अदरक लहसुन का। अब मैं इसके बाद ये टमाटर का पेस्ट जो मैंने तैयार किया हुआ था वो इस पर पेस्ट ऐड करूँगी। ये देखिए ऐड कर दिया। अब इसको मैं कवर करके रख दूँगी 2 मिनट के लिए, फिर उसके बाद और चीज़ें जो मैंने बताई थी इज़्ज़ा वो इसमें ऐड करूँगी। इसको कवर कर दूंगी। 1/2 टीस्पून में इसमें नमक इसमें ऐड करूंगी, 1/2 टीस्पून थाइम इस्तेमाल करूंगी, 1/2 टीस्पून ये ऑरिगैनो डालूंगी इसके अंदर। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है, ये गाढ़ा गाढ़ा हो रहा है, थोड़ा ये लिक्विड था अब सही हो रहा है बिल्कुल।
तिलाड़ा बना गया इसके अंदर। ज़बरदस्त खुशबू आ रही है इसके अंदर। ये आपका ज़बरदस्त किस्म का पिज़्ज़ा सॉस रेडी हो रहा है। मुश्किल से 5 मिनट लगते हैं पिज़्ज़ा सॉस रेडी करने में, हमें इतना टाइम नहीं लगता इसके अंदर। फ्लेम थोड़ी मैं स्लो कर देती हूँ। मैं कैसे वेट करूँगी, क्योंकि लास्ट मिनट ऐड करूँगी इसके अंदर 1 टीस्पून। एक कुटी हुई लाल मिर्च मैंने इसमें ऐड करी है, मैं इसमें केचप इसमें ऐड कर रही हूँ। केचप मैंने इसमें ऐड कर दिया, देखिए कुटी हुई लाल मिर्च। अब इसमें केचप मैंने इसमें ऐड कर दिया, अब इसको कवर कर दूँगी। बस ये रेडी हो गया हमारा। ये पानी खुश हो जाए इसका, थोड़ा सा पानी खुश हो जाता है इसका, इसको हम निकाल लेंगे। ये हमारा सॉस देखिए, बिल्कुल पिज़्ज़ा सॉस बिल्कुल रेडी हो गया। देखिए कितना ज़बरदस्त हो गया, ये बिल्कुल गाढ़ा गाढ़ा हो रहा है। अब इसको हम फ्लेम बंद कर देंगे, उसको हम निकाल लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये देखिए पिज़्ज़ा सॉस बिल्कुल रेडी हो चुका है। मैंने 8 अदद टमाटर का ये पिज़्ज़ा सॉस तैयार किया है। ये देखिए अच्छी खासी एक प्याली है, 8 टमाटरों में ये एक प्याली के करीब हमारा पिज़्ज़ा सॉस रेडी हो गया। मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको मेरी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाए।